हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस और आप देख रहे हैं टेक्निकल प्रिंस भाई चैनल। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने पिक्सआर्ट से थंबनेल बनाना है। तो सबसे पहले आप पिक्सआर्ट को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहां पे करना क्या है वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे प्लस आइकॉन पे जो है क्लिक करना है। तो यहाँ पे प्लस आइकॉन है, इस पे आप क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने एक ड्राइंग शीट उठानी है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से उठानी है। यहाँ से आपने दोस्तों ड्राइंग शीट उठानी है और यहाँ पे जो साइज़ है आपने साइज़ सिलेक्ट करना है। तो कस्टम साइज़ पे आपने क्लिक करना है। कस्टम साइज़ यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लें और इसे डन कर दें। डन करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे टिक के आइकॉन पे क्लिक करना है। टिक के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी टिक का आइकॉन पे क्लिक करें और एडिट इमेज पे जाएं। एडिट इमेज पे जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों अभी आपने एक अच्छा सा थंबनेल बनाना है। तो सबसे पहले माइंड के अंदर सोच लें कि किस तरीके का दोस्तों आपने थंबनेल बनाना है। तो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने एक फ़ोटो ऐड करनी है। आप अपनी फ़ोटो यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम एक फ़ोटो ले लेते हैं ये वाली, और अभी हम इसको कर लेते हैं कटआउट। सो कटआउट पे आपने क्लिक करना है और इस तरीके से आपने इसके ऊपर फेरना है। और उसके बाद दोस्तों आपने इस पोर्शन को अच्छे तरीके से जो है वो कट आउट कर लेना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फटाफट से करके बता देता हूँ कि किस तरीके से आपने करना है। सो दोस्तों फ़ोटो हमारी रेडी हो चुकी है, तो हम इसे कटआउट करके इसे रोटेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अभी यहाँ पे मान लो कि आप बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं कोई भी, तो आपने बैकग्राउंड कैसे लगाना है, सिंपल सा है दोस्तों, कुछ नहीं। आपने करना क्या है दोस्तों, टेक्स्ट के आइकॉन पे क्लिक करना है। टेक्स्ट के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आई लिखें। आई पे लिखने के बाद यहाँ पे कलर कोई भी सिलेक्ट कर लें, नॉर्मल सा कोई भी यहाँ पे आप कलर ले लें। मान लो कि यहाँ पे मैं येलो कलर यहाँ पे ले लेता हूँ, तो ये रहा येलो। और येलो पे लेने के बाद अभी मैंने इस फ़ोटो के बैकग्राउंड में लाना है, तो इसे मूव टू डाउन कर दें। मूव टू डाउन करने के बाद इसे साइड में इस तरीके से दोस्तों आप लगा लें। तो इस तरीके से दोस्तों आप बैकग्राउंड में कोई भी आप कलर वगैरह या फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल सा एक डिज़ाइन बनाते हैं, तो ये बन चुका है। अभी मैं इसको क्या करूँगा, डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो सेम आपने इसे एडजस्ट करके डुप्लीकेट करना है और इसे भी नीचे मूव डाउन कर देना है। मूव डाउन करने के बाद यहाँ पे हम कलर कोई और सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले हम इसे फुल स्क्रीन कर लेते हैं। फुल स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे कलर कैसा रहेगा, ब्लू हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये रहा ब्लू और इसे कर लिया फुल स्क्रीन। और अभी आपने करना क्या है, सिंपल सा अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका कलर बिल्कुल ही अच्छे तरीके से चेंज हो गया। अभी मान लो कि यहाँ पे आप कुछ लिखना चाहते हैं, तो टेक्स्ट के आइकॉन पे क्लिक करें और यहाँ पे आप कोई भी चीज़ लिख दें जो आपके वीडियो के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप टेक्स्ट कोई सा भी लिख सकते हैं ताकि आपकी वीडियोस को देखने के लिए, मतलब कि लोगों को अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हाउ टू मेक यूट्यूब, और थंबनेल के लिए हम कुछ अट्रैक्टिव सा यहाँ पे बनाएंगे। और यहाँ पे हम शैडो वगैरह बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों आपने करना क्या है, अभी अगेन टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने थंबनेल लिखना है, मतलब कि जो भी आप लिखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं अपने अकॉर्डिंग बना के आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप अलग से कुछ टेक्स्ट लिखेंगे ताकि अट्रैक्टिव लगे बंदे को, मतलब कि मेन पॉइंट अट्रैक्टिव लगने चाहिए बंदे को। तो यहाँ पे मैंने थंबनेल लिख दिया, ठीक है जी। थंबनेल लिखने के बाद आपने टिक के आइकॉन पे क्लिक करना है। टिक के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद अभी इसके बैकग्राउंड में भी अगर आप कुछ अलग इमेज लगाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो सेम चीज़ आपने करना क्या है, वही चीज़ करना है। आई यहाँ पे लेना है, टिक के आइकॉन पे क्लिक करना है और इसको घुमा के इसके ऊपर लगाना है और मूव डाउन कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ पहले,
ठीक है जी। और सॉरी यहाँ पे मूव डाउन मैंने कर दिया। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो ये पॉइंट है, मेन पॉइंट जो कीवर्ड है हमारा, अलग से नज़र आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दोस्तों आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे आप अपने अकॉर्डिंग थंबनेल को बना सकते हो, ताकि सामने वाला बंदा जब देखे अचानक से आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक कर ले। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम रेड कलर भी ले सकते हैं, ब्लू भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे वाइट ही अच्छा लग रहा है तो वाइट हम ले लेंगे। अगर आप टेक्स्ट का चेंज करना तो चाहते हो तो टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो, कलर वगैरह। ठीक है जी। अभी मान लो कि यहाँ पे आपने कुछ लोगो वगैरह बनाने हैं, या फिर यहाँ पे आपने हिंदी में लिखना है, तो हिंदी के लिए करना क्या पड़ेगा? सिंपल सी चीज़ है जी। उसके लिए दोस्तों आपने करना क्या है, गूगल ट्रांसलेट का यहाँ पे यूज़ करना है। गूगल ट्रांसलेट को खोलें और यहाँ पे आपने करना है इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपने इंग्लिश में लिख लेना है हाउ टू मेक यूट्यूब, या फिर हाउ टू मेक थंबनेल फॉर यूट्यूब वीडियोस। ठीक है जी। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपने टाइप करना है। टाइप करने के बाद दोस्तों आपका जो मतलब कि इंग्लिश वर्ड है वो हिंदी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। हिंदी के अंदर कन्वर्ट होने के बाद वहाँ पे आप अपने थंबनेल के ऊपर हिंदी में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से लिख लेता हूँ हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल्स, या फिर हाउ टू मेक थंबनेल्स फॉर यूट्यूब। इसको हमने करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद अगेन यहाँ पे आना है और टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे हम कैसे को जो है थंबनेल के आगे लगाते हैं, कैसे लगाएंगे, इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कट करें। कट करने के बाद यहाँ पे यूट्यूब के लिए थंबनेल कैसे बनाएं, तो कैसे बनाएं यहाँ पे हम लगा देते हैं। ठीक है जी। टिक करें और इसको यहाँ पे आप लगा लें, ताकि सामने वाले बंदे को भी पता लगना चाहिए कि आपकी वीडियो हिंदी में है। और मान लो कि कोई बंदा एजुकेटेड बंदा भी है जिसको इंग्लिश नहीं आती, वो हिंदी टाइटल देख के आपकी वीडियो को साथ के साथ विजिट कर लेगा, साथ के साथ वीडियो को देख लेगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप हिंदी कीवर्ड्स वगैरह भी जो लगा सकते हैं, या टेक्स्ट वगैरह भी लगा सकते हैं। सो दोस्तों वही चीज़ है, जितना आप थंबनेल के ऊपर मेहनत करेंगे उतना आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों सिंपल थंबनेल आप इस तरीके से बना सकते हैं। सो उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि जो मेरी ये फ़ोटो है, इस फ़ोटो के आसपास आउटलाइन हो जाए, या फिर एक अच्छा सा आउटलाइन यहाँ पे आ जाए, तो वो भी यहाँ पे आप बना सकते हो। कैसे करना पड़ेगा? सिंपल है। ड्राइंग के आइकॉन पे आपने क्लिक करना है। ड्राइंग के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने कलर जो है वो सिलेक्ट करना है, वाइट। वाइट सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे धीरे धीरे इस तरीके से यहाँ पे आपने लाइन जो है वो बनानी शुरू कर देनी है। तो मैं आपको ये चीज़ भी बना के सिंपल से दिखा देता हूँ। बहुत ही ईजी है और बहुत ही आसान है। आप इस तरीके से दोस्तों ये बना सकते हैं। अगर कहीं से गलत हो जाए तो यहाँ से आप इरेज़र से भी सही कर सकते हैं। इरेज़र से सही करने के बाद आप दोबारा से वहीं से बनाना शुरू कर दें। तो दोस्तों मैं इसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। सो दोस्तों फ़ोटो हमारी रेडी हो चुकी है। ठीक है जी। और अभी हम इसे गैलरी के अंदर सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करना। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं फिर मिलूँगा एक न्यू एक्साइटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, खुदा हाफिज़।